नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। यूं तो बिहार में शिक्षक और विद्यार्थियों का विरोध आम बात हो चुकी है, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य वहां से शुरू होता है जब डॉक्टर्स अस्पताल में ना होकर सड़कों पर हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। आज पीएमसीएच और एनएमसीएच के कई जूनियर्स डॉक्टर हड़ताल पर है। उनका कहना है कि राज्य ने उनको ठगा है। सैकड़ों की संख्या में जूनियर्स डॉक्टर अस्पताल के ओपीडी सेवाओं को ठप कर चुके हैं। इस दौरान कई मरीजों का इलाज भी बंद हो गया है। अस्पताल के परिसर में ना सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की नारेबाजी हुई, बल्कि पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने तेजस्वी यादव का भी विरोध किया गया। उनके खिलाफ अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की है। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं। कई सालों से यहां जूनियर्स डॉक्टर का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। सरकार लगभग 10 साल में सिर्फ 15,000 स्टाइपेंड दे रही है, जो कि अब तक महंगाई के अनुसार को देखा जाए तो ये बहुत कम है। सरकार डॉक्टर्स को मजदूर की तरह काम कराना चाहती है। यहाँ जूनियर्स डॉक्टर का कहना है कि सरकार उनको मजदूरों की तरह काम कराना चाहती है। नियम है कि हर साल में 3 बार स्टाइपेंड की राशि में रिन्यूअल किया जाता है, लेकिन हमें ठगा गया। इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया। सरकार हमें धोखा देती रही है। इनके हड़ताल पर बैठ जाने से मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। बता दें कि बिहार में 9 मेडिकल कॉलेजों में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित है। जूनियर्स डॉक्टर एसोसिएशन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले साल भी ये हड़ताल किया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लिहाजा इस बार फिर से हड़ताल किया जा रहा है। इनको उम्मीद है कि यहाँ तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर करेंगे। यहाँ डॉक्टर्स ने सबसे ज्यादा दोषी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बताया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि MBBS इंटर्न्स डॉक्टर की स्टाइपेंड 15,000 प्रति महीने है, जो कि देश के किसी भी राज्य के लिए ये सबसे कम है, और इनकी मांग है कि इसको बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल भी इंटर्न्स डॉक्टर ने हड़ताल किया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज गई थी। लिहाजा अब इन्होंने एक बार फिर से सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। इसके कारण कई बार OPD में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप भी पड़ी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। और अब ये नई सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनकी स्टाइपेंड की राशि को बढ़ा करके 15,000 से कम 35,000 कर दे, क्योंकि इस वक्त महंगाई भी अपने चरम पर है और इससे इनका घर परिवार भी सही तरीके से चल सके। बहरहाल, आप तमाम खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।